सबसे पहले दोस्तों सर्च बार में आपको NSDL पैन कार्ड रीप्रिंट को सर्च करना है, और जो आपको पहला ही लिंक मिलेगा आपको उस पर टच करना है। इसके बाद दोस्तों आपका एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें GST नंबर आपको ऑप्शनल मिलेगा, और फिर आपको एक आई अंडरस्टैंड दिस मायर इस पर आपको टिक करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कैप्चर कोड एंटर कर लेंगे, और दोस्तों इसको सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपको अपना एक बार इसमें अपना एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लेना है, और अपनी सारी डिटेल, जैसे कि दोस्तों आपकी डिटेल इसमें हाफ दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी सी जो आपको डिटेल दिख रही है इससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका ही पैन कार्ड है। दोस्तों OTP जनरेट करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों में से एक की आवश्यकता होगी, या दोनों पे ही आप OTP जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर पे OTP जनरेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। टर्म एंड कंडीशन पे ओके करके आप OTP जनरेट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, वो OTP आप एंटर कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये कैसे पता करना है आपका कौन सी साइड का है, आप अपने पैन कार्ड को के बैक साइड में आपको दिख जाएगा वो NSDL का है या अदर साइड से आपका है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपको ₹50 फीस इसमें, और ट्रांजेक्शन ID हम इसको पे कर देते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये ₹50 की आपकी रिप्रिंट फीस है, और ये जो दोस्तों आपको ₹85 में आपके डाक द्वारा आपके पैन कार्ड की सर्विस से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए दोस्तों मैं UPI के थ्रू अपनी पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपनी हम स्लिप डाउनलोड कर लेते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ। थैंक यू।